टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं मैं। अब कंजर्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व, कंजर्विंग और कंजर्व। कंजर्व मीन्स टू प्रोटेक्ट, कंजर्व मीन्स टू सेव, कंजर्व मीन्स टू प्रोटेक्ट, कंजर्व मीन्स टू सेव, कंजर्व मीन्स टू सी दैट देयर इज नो वेस्टेजेस, देयर इज नो वेस्टेजेस। उसको थोड़ा मैं पहले आपको एक इक्वेशन बना के सॉल्व करके आपको बताता हूँ, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट ए, सपोज एक ट्रक है, आपको ट्रक और मोटर बाइक बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा है। एक ट्रक है जिसको हम ए लेते हैं, और एक बाइक है जिसको हम बी लेते हैं, ठीक है? आपके बुक के हिसाब से हम लेते हैं, ट्रक को हम बी लेते हैं और बाइक को हम ए लेते हैं, ठीक है? नाउ दिस बाइक इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। ये बाइक, ये ट्रक भी चल रही है रोड पे और बाइक भी चल रही है रोड पे, ट्रक शायद इस डायरेक्शन से आ रहा है और बाइक इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है? बाइक इस डायरेक्शन से आ रही है, तो ट्रक का मास हम M1 ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम U1 ले लेते हैं, बाइक का मास हम M2 ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी U2 ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी U2 ले लेते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, ये ट्रक और बाइक में टक्कर होती है, ट्रक और बाइक में, इस पॉइंट पे जाके ट्रक और बाइक में टक्कर होती है। ट्रक इस तरफ से आ रहा था, बाइक इस तरफ से आ रहा था, ट्रक और बाइक में टक्कर होती है, तो ट्रक बाइक को घसीट के लेके यहां तक चला जाएगा, ट्रक और बाइक यहां तक चले जाएंगे, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि ट्रक हैवी है, ठीक है? देयर वाज एक्सीलरेशन इन दिस ट्रक, देयर वाज एक्सीलरेशन इन दिस बाइक, फाइन। अब टक्कर के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, V1 और फाइनल वेलोसिटी हो गई V2। ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई, देयर वाज एक्सीलरेशन इन ट्रक, भागा क्या रहा था, देयर वाज एक्सीलरेशन बाइक, वो भी भागा क्या रहा था। ट्रक ने बाइक को एक फोर्स से मारा, बाइक ने भी ट्रक को एक फोर्स से मारा होगा क्योंकि बाइक में भी एक्सीलरेशन था, ओके? तो सपोज ट्रक में जो फोर्स था वो F1 था और बाइक में जो फोर्स था वो F2 था, ठीक है? जब ट्रक ने बाइक को टक्कर लगाया तो फोर्स, एक फोर्स पॉजिटिव होता है, एक फोर्स नेगेटिव होता है, दोनों टकराते हैं। जब इन लोगों ने टकराए तो हमको मिला F1 is equal to minus F2। कौन ज्यादा जोरदार था? ट्रक, यहाँ पे हमने क्या लिया, ट्रक को भी लिया, ओके? तो F1 हैवी था और ट्रक और बाइक था विच वॉज लाइटर, ओके? इस तरफ मूवमेंट हो गया था ट्रक और बाइक की वजह से, ट्रक और बाइक की टक्कर हुआ तो इस तरफ मूवमेंट हो गया, देयरफॉर ट्रक का फोर्स हुआ F1, बाइक का फोर्स हुआ -F2। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है? एक्सीलरेशन मैंने यहां ने लिया, मान के चलते हैं कि ये एक्सीलरेशन A1 के हिसाब से चल रहा था, ये एक्सीलरेशन A2 के हिसाब से चल रहा था,
तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास एम वन इंटू ए वन था, और इसमें जो मास था एम टू इंटू ए टू था, माइनस माइनस यू नो फॉर्मूलास रिपीट करके बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. तो ये हो जाएगा, दिस विल बिकम देयर फोर एम वन इंटू ए वन विल बी वी वन माइनस यू वन अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एम टू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी. फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी वन माइनस यू v माइनस यू अपॉन टी रेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. दोनों साइड से t कैंसिल हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2. ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस एम टू वी टू प्लस एम टू यू टू. इसको ब्रैकेट ओपन करना चाहिए था मुझे यहाँ पे, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन. ठीक है, नाउ मैं ये नेगेटिव साइन को इस तरफ ले रहा हूँ, पॉजिटिव बना रहा हूँ, और इस नेगेटिव साइन को उस तरफ ले रहा हूँ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. एंड व्हाट इज m1 इंटू वी वन? आपका जो वहां पे एक और फॉर्मूला है पी, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. व्हाट डज पी स्टैंड फॉर? मोमेंटम. तो ये टोटल, ये टोटल क्या होगा, ये जो हो गया ये टोटल फाइनल मोमेंटम हो गया, टोटल फाइनल मोमेंटम हो गया, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया, और ये क्या है हमको इक्वल टू साइन आया, बीच में इक्वल टू साइन आया इस इक्वेशन में. मतलब क्या है दैट टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, कोलाइड करने के पहले, कोलाइड करने से पहले, टकराने से पहले जो मोमेंटम था, टकराने से पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम टकराने के बाद है. तो मोमेंटम का किधर नुकसान नहीं हुआ, तो मोमेंटम पूरा कंजर्व हो गया, तो मोमेंटम तो पूरा प्रिजर्व हो गया, मोमेंटम पूरा सेव हो गया. ठीक है, सो यू हैव बाय दिस डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन दैट इट इज देयर इन योर बुक आल्सो. मैंने थोड़ा सिंपल तरीके से करने की कोशिश किया हूं, तो यहां पे आप बता सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम. मैग्नीट्यूड बोले तो मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड बोले तो मेजरमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम, द मैग्नीट्यूड इसका जो अमाउंट निकालोगे, इसको जो कैलकुलेट करोगे, द मैग्नीट्यूड जो फिगर आएगा इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनर्शियल मोमेंटम, वही कैलकुलेशन यहाँ पे बैठेगा. तो आपका फर्स्ट पार्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम. आपका लास्ट पार्ट भी यही है, हमने कोलिजन के बाद कैलकुलेट किया, ट्रक और बाइक की टक्कर के बाद कैलकुलेट किया, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, टक्कर होती है, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये टोटल, ये मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले का मोमेंटम था, इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट और आर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. व्हाट डज द फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, व्हाट डज द सेकंड पार्ट से? When two external forces
when no external forces acts on to interacting object. External forces मतलब यहाँ पे सिर्फ टक्कर हुई है किसकी, बाइक की और ट्रक की. एक्सटर्नल फोर्सेस जो थे वो हवा का फ्रिक्शन, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जमीन का फ्रिक्शन, दिस वर सम माइनर थिंग्स, दिस वर द माइनर थिंग्स, हम उसको फिलहाल नेग्लिजिबल रखते हैं. तो एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब मान के चले कि एक ट्रक और बाइक की टक्कर हो रही है और पता चला कोई साइकिल वाला भी बीच में आ गया, तो साइकिल वाला एक्सटर्नल फोर्स हो गया, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा चेंज हो जाएगा, मोमेंटम थोड़ा साइकिल वाले की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो उस वक्त मोमेंटम चेंज हो जाएगा. तो जब तक के दो चीजों की टक्कर के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आ रही है, इन सिंपल सेंस व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स देन टोटल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंजेस. मोमेंटम कभी भी वेस्ट नहीं होता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व हो जाता है, सेव हो जाता है, it does not changes. okay, so you have to remember this three sentence. jitne bhi sentence main pichle lecture mein bhi board pe likha hu, wo sentences ko barabar yaad rakhna chahiye. wo sentences jitne bhi aapke textbook mein bold mein hai, wo sentences aapko barabar yaad rakhna chahiye. ab hum isse related humne abhi kya yaad kiya, is cheezo ko dhyan mein rakho. the magnitude of total final momentum is equal to magnitude of total initial momentum, or when two objects collide the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. इसको ध्यान में रखो. इसको ध्यान में रखते हुए हम दो सम लेने की कोशिश करेंगे आज. ओके, देयर इज क्वेश्चन इन योर टेक्सटबुक ऑन पेज नंबर 16. टू बॉल्स हैव मासेस 50 ग्राम्स एंड 100 ग्राम्स. दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन in the same direction with velocities of 3 meter per second and 1.5 meter per second respectively. They collide with each other and after collision the first ball moves with a velocity of 2.5 meter per second. Calculate the velocity of the other ball. ठीक है, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है. ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 है. थोड़ा टफ प्रॉब्लम है इसके लिए मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल 2, page 16. ठीक है, बॉल 1 बॉल 2 मास कितना दिया हुआ है बॉल 1 का रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है. ठीक है, तो m1 इज इक्वल टू 50 ग्राम्स, m2 is equal to 100 grams. इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 is equal to 3 meter per second and u2 is equal to 1.5 meter per second. they collide, टक्कर होती है इनकी. After collision, the first ball moves. First ball, इस ball की velocity हो गई है 2.5 meter per second. Calculate the velocity of the other ball. V2 की velocity हमको calculate करनी है. V2 की velocity हमको calculate करनी है. See, पिछले lecture मैंने आपको MKS और CKS बताया था. MKS और CGS बताया था मैंने. MKS stands for meter kilogram second. Okay, meter kilogram second. और CGS stands for centimeter gram second. क्या importance रखता है ये MKS और CGS? आपके सम में ये तीनों फिगर एक ही सम में, ये तीनों फिगर सेम यूनिट में होना चाहिए. एक ये यूनिट में होगा, एक यू यूनिट में होगा तो नहीं चलेगा. ठीक है, अभी यहां पे आप देखो, आपको जो वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 3 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है.
ओके, तो आपको वेलोसिटी इसमें दिया हुआ है और आपको मास दिया हुआ है, ग्राम्स में दिया हुआ है, दोनों अलग अलग मेजरमेंट में दिया हुआ है, एक एमकेएस में दिया हुआ है, एक सीजीएस में दिया हुआ है, तो आप वैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करोगे आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें कट होती है, बट देन जो तरीका है सॉल्व करने का वो तरीका गलत होगा। तो यहाँ पे आइदर आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और फिर सीजीएस सिस्टम में सॉल्व करना है, या आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने का और आपको एमके सिस्टम में सॉल्व करने का। मोस्टली सॉल्यूशन जो रहता है एमके सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म कुछ फ्रेंच टर्म है, राइट नाउ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। एसआई यूनिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है ये, तो ज्यादातर एमके सिस्टम में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर ये ग्राम में दिया हुआ है, ये ग्राम में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इस मेजरमेंट में, इसको इस मेजरमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। टाइम तो आपको सेकंड में दिया हुआ है, टाइम तो आपको सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा नया मास क्या हो जाएगा, देयरफॉर आफ्टर कन्वर्जन नया मास क्या हो जाएगा, 50/1000, दैट इज 1/20 केजी हो जाएगा, 1/20 केजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम वन जो है 50/1000, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ओके। तो आपने 50 को 1000 से डिवाइड किया, कट करेंगे आपको तो 1/20 केजी आएगा, और ये आएगा m2 will be equal to 100/1000 grams, this will be 1/10 kg आएगा, this will come as 1/10 kg, ठीक है। नाउ ये गिवन पार्ट आ गया, सॉल्व करने से पहले आपको लिखना है टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, एक बार मैं एक सम के लिए लिख लेता हूँ, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन बोले तो टक्कर, ओके। देयरफॉर ये तो मैंने बोर्ड पे मेन हाईलाइट करने के लिए लिखा हूं, तो आपके सॉल्यूशन में देयरफॉर आप लिखो m1 u1 + m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 + m2 v2। आपने स्टेटमेंट लिख दिया, आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, आपने गिवन लिख दिया और गिवन को प्रॉपर कन्वर्जन कर दिया एमकेएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम में। मोस्टली एमकेएस सिस्टम में कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है, करना चाहिए। Now you put it, M1 क्या है? M1 is 1/20, U1 क्या है? Into 3, plus M2 क्या है? 1/10, into U2 क्या है? 1.5, is equal to M1 क्या है? M1 50, into V1 m1 है 1/20 plus m2 है आपका 1/10 into v2। सारे फिगर्स आ गए आपके, एक वेरिएबल रह गया v2। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, हम लिख देंगे सबको प्रॉपरली। This is 3/20 plus 1.5/10
इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 20 प्लस v2 अपॉन 10। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सारे डिनोमिनेटर्स को इन टर्म्स ऑफ 20 कर देते हैं, सारे डिनोमिनेटर्स को इन टर्म्स ऑफ 20 कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस विल बी 3 अपॉन 20 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये सब ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दिस विल बी 3 अपॉन 20 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 20 प्लस 2v2 अपॉन 20। अब डिनोमिनेटर में मेरे 20 आ गया, अब डिनोमिनेटर में मेरे 20 आ गया, पूरा 20 मैं कैंसिल कर दूंगा। ओके, देयरफॉर 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2.5 प्लस 2v2, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2.5 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 2.5 प्लस 2v2। दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 2v2, दिस विल बी 3.5 इज इक्वल टू 2v2, देयरफॉर v2 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 2, अल्टीमेटली तुमको v2 मिलेगा 1.75 मीटर पर सेकेंड, अल्टीमेटली तुमको v2 मिलेगा 1.75 मीटर पर सेकेंड। आपके टेक्सटबुक में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा, तो अगर ये कैलकुलेशन भी आपको इजी पड़ेगा तो ये एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको टेक्सटबुक का कैलकुलेशन देखना है तो आप टेक्सटबुक का कैलकुलेशन देख सकते हो। ठीक है, then you have a question on page number 17. Question number 7. See, मैं पहले read कर लेता हूँ question, फिर आपको समझा देता हूँ। A bullet having a mass of 10 grams and moving with a speed of 1.5 meter per second penetrates a thick wooden plank of mass 90 gram. This plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move towards together. Determine the velocity. बता दूं मैं तुमको कि एक लकड़ी है यहाँ पे, plank और gun है यहाँ पे, gun से fire किया जा रहा है, ये अभी लकड़ी रेस्ट पे है, लकड़ी रेस्ट पे है, क्या जब इट इज नॉट मूविंग। ठीक है, यहां से गन में से एक बुलेट फायर किया जा रहा है। हियर व्हाट हैपेंस, ये लकड़ी में बुलेट एम्बेड हो जा रही है, लकड़ी एम्बेड मतलब बुलेट उसके अंदर फंस जा रही है, और लकड़ी थोड़ा आगे बढ़ जाती है। Now bullet is embedded in this. लकड़ी और बुलेट साथ में मूव करेंगे। एक बार बुलेट has penetrated in this, the plank and the bullet are moving together. तो ये बता दूं कि final velocity of both the mass, bullet का mass और लकड़ी का mass का final velocity, दोनों का final velocity same रहेगा। Okay? Fine, understood this. किसी को अगर यहाँ पे बंदूक से मारे गए, वो पर्टिकुलर जो भी टारगेट है वो स्टिल था, वो रेस्ट था, तो बुलेट उसमें पियर्स हो गई और टारगेट और बुलेट दोनों साथ में मूव हो रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी। फाइन, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस लेट अस राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस। You have a bullet having bullet mass दिया हुआ है m1, mass is 10 grams
n is moving with a speed of 1.5 meter per second. U 1 is equal to 1.5 meter per second. Penetrates a thick wooden plank. Wooden plank. Mass है m2 90 grams. The wooden plank was at rest. Wooden plank move नहीं हो रहा था, वहीं पे रखा हुआ था. इसके लिए उसकी initial velocity was equal to zero. अब क्या होगा? मैंने अभी आपके इससे पहले diagramic representation से बताया था मैंने कि wooden plank और गोली और वो bullet साथ में move हो रहे, तो दोनों की final velocity same रहेगी. तो यहाँ पे v1 will be, v2 will be how much? Okay. But given that v1 is equal to v2, okay? Given v1 is equal to v2, therefore final velocity हम सिर्फ v ले लेते हैं. v1 is equal to v2 है, तो final velocity हम v ले लेते हैं. ठीक है, अब वापस यहां पे देखो, आपको ग्राम में दिया हुआ है, यहां पे मीटर में दिया हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एम के सिस्टम में. तुम्हारा नया मास होगा m1 is equal to 10 upon 1000 is equal to 1 upon 100 kg, 1 upon 100 kg. ये m2 है आपका 90 upon 1000 is equal to 9 upon 100 kg, is equal to 9 upon 100 kg. ठीक है, now तुम्हारा फिर आप लिखोगे total momentum before collision is equal to total momentum after collision. ये statement लिखना जरूरी है, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. आप लिखो m1 1 upon 100 into u1 1.5 plus m2 9 upon 100 into 0, u2 rest with a initial velocity 0 is equal to m1 1 upon 100 into v. हमने final velocity v ले लिया, ओके, प्लस m2 9 अपॉन 100 v. ठीक है, ये जो है ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा. 9 अपॉन 100 जो है 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा. दिस विल बी 1 अपॉन 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू v प्लस 9v अपॉन 100 होगा. v प्लस 9v अपॉन 100 होगा. 100 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 इज इक्वल टू 10v होगा. 1.5 इज इक्वल टू 10v होगा. देयरफॉर v इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 10. देयरफॉर v इज इक्वल टू, एक और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 0.15 मीटर पर सेकंड. देयरफॉर द वुडन प्लैंक एंड द बुलेट विल मूव साइमल्टेनियसली विद द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 0.15 मीटर पर सेकंड. Thank you very much for today.